हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हम देखेंगे कि ये थ्योरम है क्या। सो देखते हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये थ्योरम यूज करने की कि दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट, देखते हैं, हमने दो ट्राइंगल लिए, एक एबीसी और एक पीक्यूआर। तो क्वेश्चन में दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, मतलब गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब प्रूफ क्या करके दिखाना है, सो हमें प्रूफ करना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई थ्योरम प्रूव करना होता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड देन वी स्टार्ट प्रूफ। तो यहां पर हमने ए बी ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पर, बी सी पर, बी डी सी ये एक ही लाइन पर है। सिमिलरली पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, क्यू एस आर दे आर ऑन द सेम लाइन। अब हम प्रूफ लेंगे। अभी हमने जब ये सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट किया था 1.1 में हमने देखा था दैट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल किसके इक्वल था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल हमने देखा था बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। सो बेस क्या है इसका, BC इंटू हाइट क्या है AD, सो BC इंटू AD अपॉन इसका बेस कितना है QR इंटू PS। एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज B1H1 मल्टीप्लाई बाय अपॉन B2 इंटू H2। तो इसको सेपरेट करके लिख दिया BS अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS और इसको मार्क कर दिया 1। अब इन्हीं दो बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, तो व्हाट इज गिवन दैट ये दोनों बड़े ट्राइंगल मतलब ए बी सी ये सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। और हमें तो पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और रेशियो क्या होती है, साइड्स की रेशियोज क्या होती है, रेशियो ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन। सो देयर फोर वॉट वी कैन राइट दैट एंगल बी, या पूरा नाम लिख देते हैं कौन सा एंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। रीजन में क्या लिखेंगे, सी ए एस टी मीन्स वॉट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मार्क करते हैं 1 एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इसको मार्क कर दिया हमने फर्स्ट, तो यहाँ मार्क करा हुआ है तो ये सेकेंड, और इसको मार्क कर दिया हमने थर्ड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक हमने पहले भी बड़ा ट्राइंगल लिया, फिर ये दोनों बड़े ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सेम, ओके, दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हम लेंगे स्टूडेंट्स दो छोटे ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ओके। सो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, और ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाने वाले हैं। तो सिमिलरिटी के टेस्ट याद है, ए ए टेस्ट पहला, दूसरा एस एस एस, तीसरा एस ए एस,
तो यहाँ पर हम AA से दिखाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABD congruent to एंगल PQS. Can you tell me the reason? ये दोनों एंगल इक्वल है कहाँ से, ये देखो कहाँ लिखा हमने, फ्रॉम सेकेंड. और हम क्या लिखेंगे, एंगल ADB congruent to PSQ. यहाँ पर रीजन क्या आएगा, ईच 90 degree. स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे. सो दो एंगल हमने दिखा दिए, देयरफॉर ABD सिमिलर टू PQS. कौन सा टेस्ट हो गया ये, AA सिमिलैरिटी टेस्ट. दो छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अभी मैंने बताया जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन. एबी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एबी अपॉन पी एस. तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन एंड रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सो एक बार बड़ा ले लिया, अभी हमने छोटा ले लिया. अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना है थर्ड को एंड फोर्थ को. AB अपॉन PQ इन दोनों के भी इक्वल है, AB अपॉन PQ AD अपॉन PS के भी इक्वल है. सो क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा, AC चारों इक्वल हो जाएंगे. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PS. तो ये चारों ही इक्वल हो गए. ओके, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, इसका मतलब AB के भी इक्वल है, AC के भी इक्वल है, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C. ओके, इसको भी हम मार्क कर देते हैं फिफ्थ वन, क्योंकि हम फोर्थ तक पहुंच गए, इसको मार्क कर दिया फिफ्थ वन. अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे, फिफ्थ तक हो गया, नाउ सी. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके स्टूडेंट, सी फर्स्ट वन, ये BC अपॉन QR तो ठीक है, अब ये AD अपॉन PS के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन PS के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR लिख सकते हैं. ओके, तो हम लिख देंगे BC अपॉन QR, दैट इज BC इंटू BC, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. अब ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, मतलब फर्स्ट वाले में हमने फिफ्थ वाले का यूज किया. ओके, अब ट्राइंगल का रेशियो किसके इक्वल आ गया, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. लेकिन क्या, AB अपॉन PQ ये भी BC अपॉन QR के इक्वल है, AC अपॉन PR ये भी BC अपॉन QR के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं. सो फाइनली देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू द फाइनल रिजल्ट. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 विच इज कम्प्लीटली बेस्ड, जो थ्योरम मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सो स्टार्ट करते हैं, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो हम मान लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. दो ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन उनके नाम नहीं दिए, तो हमने ले लिया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और दोनों ट्राइंगल कैसे है, आपस में सिमिलर. उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू दिस, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या हो जाएगा, इट इज
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहां पर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन लिखना है। ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ए बी अपॉन पी क्यू? इट इज 3/5। सो आंसर इज 3² = 9 एंड 5² = 25 यहां पर गिवन। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 9/25। सो स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन पर, दोनों ही एक्टिविटी बेस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि एरिया वाला थ्योरम हम कब यूज करेंगे? जब हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए होंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो हम एरिया वाला थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ तो क्लियर कट क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आपस में कैसे हैं? सिमिलर, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी दिया है, दैट इज AB:PQ = 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स, हमें बॉक्सेस में फिल अप करना है। नाउ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए इनका एरिया का रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा? AB² / PQ². नाउ व्हाट इज AB? 2, सो ये हो जाएगा 2² PQ 3, सो 2² / 3² 2² = 4 एंड 3² = 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, अगेन यहां पर भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, ट्राइंगल एबीसी का वैल्यू दी है 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज 125 एंड वी हैव टू फिल इन द बॉक्सेस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये दोनों सिमिलर है इसलिए नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जिसे हमें छोड़ना नहीं है, समझ में ना भी आए तो दो ही ट्राइंगल है, एक एबीसी है एक पीक्यूआर है। अगर ऊपर ट्राइंगल एबीसी आ गया तो नीचे कौन सा ट्राइंगल आएगा? पीक्यूआर। और वैसे भी 80 ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और 125 किसका है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, कैंसिल किससे हो रहा है? 5 से 5 16 5 25। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, ठीक है? तो डायरेक्ट बॉक्स में हम नहीं लिख पाएंगे, हमें अपने आप से स्टेप करने पड़ेंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है जैसा हमने यहाँ लिखा। सो ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है? पीक्यूआर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB² / PQ² ओके। अब ये किसके इक्वल आ गया? ये तो 16/25 के इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं 16/25। तो ये क्या हो गया? AB² / PQ² या मैं नीचे दोबारा से लिख देती हूँ, देयरफॉर AB² / PQ² = 16/25। इसके प्लेस पर लिख दिया। अब हमें चाहिए AB/PQ, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे AB/PQ। 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/5। स्टार्ट करते हैं नाउ फोर्थ वन, इन विच ट्राइंगल एलिमेंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एंड ये भी दिया हुआ है दैट 9 times एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR = 16 times एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। अब QR दिया हुआ है तो वी हैव टू फाइंड आउट
एमएन. सो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. ओके, ट्राइंगल सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर. ट्राइंगल एलएमएन सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एलएमएन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा. कौन कौन सी साइड चाहिए हमें, क्यू आर एंड एम एन, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर. रीजन लिखना नहीं भूलना, और रीजन क्या आएगा, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, ये आ गया. अब यहां से देखते हैं, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन. तो यहां से इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. एल एम एन ये नीचे आ जाएगा, अपॉन पी क्यू आर equals to 9, और ये 16 इधर आएगा, 9 upon 16. तो इसे मार्क करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट, एंड इसे मार्क करते हैं सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो, और दोनों में क्या चीज कॉमन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट पी क्यू आर, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है. तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो कॉमन है ना उन्हें हटा देंगे, और इन दोनों को क्या लिख देंगे, इक्वल. सो एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर 9 अपॉन 16. अब हमें स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, हमें क्यू आर दिया है, हमें एम एन निकालना है, तो ये स्क्वायर हमें नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मतलब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर हट जाएगा, नीचे वाला भी स्क्वायर हट जाएगा, और इधर 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये आ गया स्क्वायर रूट लेने पर. ये दोनों स्क्वायर हट गए, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4. एम एन निकालना है, क्यू आर दिया है ना, तो क्यू आर की वैल्यू पुट कर दो. सो एम एन अपॉन 20 3 बाय 4, 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एम एन क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 5 जार 20, तो ये आ गया 15. तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, देयर फोर एम एन इक्वल्स टू 15. स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. दो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर मतलब एरिया वाला थ्योरम हम लगा सकते हैं. बट प्रॉब्लम है कि दो ट्राइंगल दिए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, और उनके नाम हमें नहीं दिए, तो उनके नाम हम ले लेते हैं एबीसी एंड पीक्यूआर. सो लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. अब एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 225 और दूसरे का दिया है 81. इसका मतलब एक ट्राइंगल बड़ा है और एक ट्राइंगल छोटा. तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 225 लेती हूँ और पीक्यूआर को 81 लेती हूँ, तो कौन सा ट्राइंगल बड़ा हुआ, एबीसी. तो ये ट्राइंगल अगर बड़ा है तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी, बिगर होंगी इससे, ठीक है. तो इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अब हमें जो साइड दी हुई है वो किसकी दी है, स्मॉलर ट्राइंगल की. तो हम मान लेते हैं पी क्यू ले लेते हैं यहाँ पर, कितना 12 सेंटीमीटर. देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, बिगर ये वाला है, तो हमें ए बी वाली साइड निकालनी. ये हमें सोच समझ के लिखना पड़ेगा कि हम ए बी को 12 माने या पी क्यू को. तो यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल की साइड दी है 12. अब स्मॉलर किसे माने, वो ट्राइंगल छोटा होगा जिसका एरिया छोटा होगा.
और जिसका एरिया कम किसका है, पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर छोटा है, एबीसी बड़ा है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, इट इज गिवन। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा लिख सकते हो। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू पुट कर देते हैं 225, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 81, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी एंड पी क्यू हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर। ओके, सो क्या करना चाहिए हमें, अगर ए बी चाहिए जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहां पर लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैन यू टेल मी स्क्वायर रूट लेने पर क्या आएगा, 225 का स्क्वायर रूट कितना, यहाँ लिखना ही पड़ेगा 15, 81 का स्क्वायर रूट कितना 9, ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना ए बी, और 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना 12, क्योंकि स्क्वायर वगैरह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बस अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा 15 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 जार 3 4 जार 3 5 जार, सो आंसर कितना आ गया 20। ये सब स्क्वायर सेंटीमीटर साइड सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ए बी भी किस में आएगी 20 सेंटीमीटर। करते हैं सिक्स्थ वन, जिसमें दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड डी एफ एंड दोनों ही इक्विलेटरल है, एरियाज का रेशियो दिया है 1:2, एक साइड दी है दूसरी साइड निकालनी है ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फिफ्थ वन। सो हाउ टू स्टार्ट, जब हमें एरिया दिया हुआ है साइड निकालनी है, मतलब एरिया वाला थ्योरम यूज करेंगे। अब एरिया वाला थ्योरम हम तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर तो दिया नहीं, क्या दिया है इक्विलेटरल, इसका मतलब हम पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, रीजन क्या लिखेंगे, ईच 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड का मेजर कुछ भी हो लेकिन एंगल सभी क्या होते हैं 60 डिग्री, तो ए बी 60 डी बी 60, सिमिलरली एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, सेम रीजन ईच 60 डिग्री, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए ए सिमिलैरिटी टेस्ट। ओके, सो अब हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। रीजन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, नाउ पुट हियर द वैल्यूज, इनका रेशियो तो दिया है कितना है 1/2, ए बी कितना है 4 एंड डी ई स्क्वायर। अब जैसा हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पर भी हम कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो रूट 2 ये रूट में ही रहेगा, 4 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा,
और डीई स्क्वायर का क्या हो जाएगा डीई। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डीई इज 4√2। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन विच इज अगेन एक्टिविटी बेस्ड, हमें बॉक्सेस को फिलअप करना है। सो ये फिगर हमें दी हुई है एफ डी ई एंड दिस पी क्यू लाइन, ये जो सेगमेंट पी क्यू है इट इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों सेगमेंट्स पैरेलल है। अब हमें इसमें पी क्यू एफ ये ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है 20 स्क्वायर यूनिट एंड इट इज गिवन दैट ये जो पी एफ है पी एफ इट इज डबल ऑफ डी पी। अगर डी पी को हम एक्स मानते हैं तो ये पी एफ कितना हो जाएगा 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि पी एफ क्या है डी पी का डबल। देन फाइंड और हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम डी पी क्यू ई। ओके सो स्टार्ट करते हैं, यहां पर क्या क्या दिया है वो लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका एरिया दिया हुआ है 20, पी एफ इज डबल ऑफ डी पी, तो हमने डी पी को एक्स माना तो पी एफ कितना हो गया 2x। ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब हम पूरा डी एफ कैसे निकालेंगे डी एफ, सो ये डी एफ क्या होगा डी पी प्लस पी एफ, तो क्या लिखना चाहिए डी पी तो लिखा है तो डी पी प्लस कितना पी एफ। अब ये डी पी कितना है डी पी क्वेश्चन में दिया हुआ है x और ये पी एफ कितना है 2x, तो x प्लस 2x मतलब कितना हो गया 3x, तो ये कंप्लीट डी एफ, ये x है ये 2x है तो डी एफ कितना हो गया 3x। अब हम ट्राइंगल लेंगे, एक बार ये छोटा ट्राइंगल एफ क्यू पी और एक बार एफ ई डी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए एफ पी क्यू एंड एफ डी ई, क्योंकि अगर हमें एरिया वाला थ्योरम यूज करना है तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब सिमिलर कैसे दिखाएंगे, एफ डी ई मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा एफ पी क्यू इस वाले एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एफ पी क्यू, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो लाइन पैरेलल उसको ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एफ ई डी ये एंगल किसके इक्वल होगा एफ क्यू पी, एफ क्यू पी, सेम रीजन ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, इसका मतलब एफ डी ई ये बड़े वाला ट्राइंगल एफ पी क्यू छोटे वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से, टेस्ट का नाम है ए ए टेस्ट। और अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, तो एफ डी ई में क्या आएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ पी स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर अभी हमने निकाला एफ डी या डी एफ कितना निकाला 3x, तो 3x का स्क्वायर और एफ पी कितना है एफ पी है 2x, तो 2x स्क्वायर। अब डायरेक्ट 9/4 लिख दिया, कैसे आया 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 9/4। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा ये बड़े वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ छोटे वाला ट्राइंगल कितना आया 9/4, तो शिफ्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9/4 छोटा ट्राइंगल ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। अब एफ पी क्यू का एरिया क्वेश्चन में कितना दिया है, सो ये दिया हुआ है 20, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, मतलब अगर छोटे वाले का एरिया 20 है तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 45। अब हमें तो इसका एरिया निकालना है एरिया ऑफ दिस शेडेड फिगर,
तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम क्या होगा, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा ट्रेपेजियम डी पी क्यू ई। तो वही हमने किया, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिया। अब बड़े वाला कितना है 45, छोटे वाला कितना है 20, तो ये आंसर आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे फाइनली वी हैव फिनिश्ड प्रैक्टिस सेट 1.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।